ये डॉक्टर फौजिया की डॉक्टर आफिया से मुलाकात भी होती है, उसके बाद आपका तो इस फैमिली से रابطہ है। जी, मेरी इनकी वालदा से इतना ज़्यादा रابطہ था कि जब से मैं मिल के आया था उस दिन के बाद जो सबसे पहली ईद मुबारक होती थी वो मैं इनकी वालदा को करता हूँ। डॉक्टर साहिबा की वालदा से मेरी ईद मुबारक होती है। और वह ऐसी खातून और ऐसी बासलाहियत और ऐसी शियार वाली खातून और ऐसी हौसला मंद खातून जिसकी बेटी, बेटा नहीं बेटी, गैरों की कैद में इतनी देर हो, तो वो बड़ी जवां मर्दी से बात करती थी और अपने आप को बड़ा संभाल के बात करती थी और अपने जज्बात पर भी कंट्रोल रख के बात करती थी। यानी मैं कहीं हुआ कि उनकी आंखें चल गईं, वरना ये कहती थी कि हम जिस ख़ानदान में से हैं वो सिद्दीकी ख़ानदान है हमारा, और हमारी रिवायत है कि हमने कुर्बानियाँ दी हैं, तो हमारी बेटी ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया, हम सिद्दीक़ अकबर की ख़ानदान से। तो ऐसी वो बात करती थी। तो अभी डॉक्टर आफिया से मुलाकात के बाद डॉक्टर फौजिया से आपका रब्ता हुआ, या आप क्या समझते हैं? जी, हमारी जो टीम है बाकायदा लीगल, उनका मुसलसल फौजिया बहन से रब्ता तो आपको है। क्या समझते हैं कि अब तो कुछ अफराद मिलकर भी आए, जैसे वो भी मिली, पार्लियामेंटेरियन भी मुश्ताक साहब मिले, वकील की भी मुलाकात हुई, तो आपको लगता है कि अब ये इतने सालों में जो मामला नहीं हो सका था अब ये मुमकिन हो पाएगा? अब कोशिश तो पूरी है और हमारी कोशिश हर तरह से है कि हुकूमत किसी ना किसी तरीके से इसको सीरियस ले और इस पर जो भी अमली इकदाम हैं, तहफ़ुज़ात हैं, इदारों के हैं, सबके हैं, उन सबको बिठाना, अगर उनकी फैमिली से कोई बात है तो उनको भी बिठाना चाहिए, सारी बातें करके।